किसान नेता सरवन सिंह पंधेर साहब हमारे साथ हैं, ये बताइए प्रशासन से मीटिंग हुई, क्या अच्छी बातचीत हुई आपकी? देखिए और कुछ नहीं था, अभी जिस तरह से किस तरह से कल ना एक गाड़ी सीधी आगे निकल गई, तो हम लोग का था भी यार जो इतना बड़ा आंदोलन बढ़ गया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं तो उसको किसे रोका जाए, पीछे उन्होंने फोर्स लगाई, अब तो कल एक रात को गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है, तो दूसरा आप कह रहे थे कि सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है अगर चाहे तो कानून बनाना। हाँ ठीक है, हम तो बोलते हैं अभी अगर चाहे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये ऑर्डिनेंस आ सकता है। दूसरा एक टास्क फोर्स आपने बनाई है, आप कह रहे कुछ लोग वहाँ से आके आंदोलन खराब करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए हमने अपने वॉलंटियर्स लगा रखे हैं, कुछ इस तरह का आदमी अगर आंदोलन में आता है तो उसका ध्यान रखा जाए, कुछ तरह की शरारत ना हो। तो कुछ मुलाजम भी हमने पकड़े हैं उनके फोर्स के, तो हमारी कोशिश है भी ये पीसफुली रहे। कल की बैठक के लेकर सर क्या मसौदा तय हो रहा है, लग रहा है कि निर्णय हो जाएगा? नहीं अभी तो कुछ उन्होंने ऐसा दिया नहीं है जो कुछ ऐसा। कुछ आपने इंटरनेट की बात की और जो अकाउंट से होल्ड किए हैं उनके लिए बात की? हाँ बात तो ये की थी। कुछ आश्वासन मिला सर? ना अभी कुछ, अभी कुछ नहीं। तो बिल्कुल किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो ऑर्डिनेंस ला सकती है MSP पर कानूनी गारंटी को लेकर के, और साथ में एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है क्योंकि किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको आंदोलन को ख़राब करने के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन से लगातार किसान नेता बात कर रहे हैं। लेकिन अहम यह है कि कल जो चंडीगढ़ में बैठक होगी उसमें आखिर क्या फैसला होता है, क्या इस आंदोलन का हल निकलता है, ये देखने वाली बात है। निशांत के साथ जुड़े भाटी जी।